हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में 6 ऐसे स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करेंगे जिनमें कॉर्पोरेट एक्शन या तो हो गया है या होने वाला है, ओके, या उसके बाद का उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड कुछ जो मेरी मैंने एक्सपीरियंस किया है मार्केट से, उससे एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आपसे बात करूँगा कि आपने उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, इस तरीके की हम बातें करते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। और अगर बात करें अभी की डेट में, यहाँ पर 8 ऐसे स्टॉक्स मैंने आपको बताया जो स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने लो पे खरीदा, हाई पे आपने बेच दिया, इस तरीके से आप ट्रेड करके 3 महीने के अंदर अंदर 10-20% के मल्टीबैगर रिटर्न्स, जिसे कहते हैं, ओके, 3 महीने के अंदर अंदर कमा सकते हो। अगर ऐसे अगर साल की बात करें, 4 क्वार्टर में आप कितनी बार कमा सकते हो, 40 से अगर बात करें 80% तक के रिटर्न। तो ऐसे ही स्टॉक्स मैंने चुने हैं। और रिस्क की बात करें तो ना के बराबर रिस्क है, इस बात को भी याद रखना। बेस्ट कंपनीज एट बेस्ट प्राइस कह सकते हैं। और बाकी और भी बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो उन्हें भी जाके देख लीजिए। और अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं। और अगर आप हेल्प करना चाहते हैं आसपास के लोगों की, ओके, तो यहाँ पर पीएम केयर फंड में डोनेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से सराउंडिंग में घूम के आप उन्हें फूड से या मनी से जैसे भी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और बात करते हैं एक एक करके उन वीडियो शेयर से रिलेटेड। आरती इंडस्ट्री ने कहा है अपनी कंपनी ने कि हम बोनस, डिविडेंड और रिजल्ट तीनों पेश करने वाले हैं। तो पहले डेट थी 11 तारीख, ओके, बट अगर बात करें तो अभी वो चेंज हो चुकी है। अगर यहाँ पर देख लीजिए 18 मई, यहाँ पर देखिए, द कंपनी हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट द बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 11th मई 2021। अगर बात करें यहाँ पर 11 मई को जो कल की डेट में मीटिंग होने वाली थी, ओके, उसे रिस्केड्यूल कर दिया गया है, कब, ये 18 मई को। और उसी में ही बात चर्चा होगी डिविडेंड की, ओके, यहाँ पर रिजल्ट से रिलेटेड और बात करें बोनस से रिलेटेड बातें होती हुई नजर आएगी। तो पहले मीटिंग 11 मई की थी, अभी पोस्टपोन होकर 18 मई की हो गई है। और बाकी क्या रीज़न है, तो रीज़न इन्होंने बताया कोविड की सिचुएशन के रीज़न से यहाँ पर इन्होंने चेंज करता हुआ ये डेट नज़र आया। बट कोई इशू नहीं है, आप इस स्टॉक को रखिए। यहाँ पर अगर देखें इस न्यूज़ का ऑलरेडी इफेक्ट पड़ चुका है। यहाँ पर स्टॉक्स चल रहा था, अच्छा खासा गिर गया था, फिर दोबारा आज की डेट में उठता हुआ नज़र आया। बट 18 तारीख तक ये स्टॉक मुझे लगता है कि ये 1900 से 2000 रुपीस तक ये जाता हुआ नजर आएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ओके, और मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। अगर ये गिरता हुआ भी कल को नजर आता है तो आपको दिखाना चाहता हूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 रुपये का स्टॉक आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो अच्छा स्टॉक है, इसमें इन्वेस्टेड भी रहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से भी करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, जब तक बोनस अनाउंस नहीं हो जाता, उसके बाद मिल नहीं जाता, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको रिजल्ट के साथ साथ रिजल्ट तो मिलेगा ही, शायद कंपनी डिविडेंड भी दे। और बड़ी कंपनी जब ऐसा कुछ कहती है तो आपको डेफिनेटली बोनस भी मिलता हुआ नजर आएगा। तो आइए दूसरे शेयर की तरफ। दूसरा शेयर कौन है, वैभव ग्लोबल। अब अगर आप बात करें, यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ भी नज़र आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन, यहाँ पर चार्ट पैटर्न मतलब जो स्पाइक इसने यहाँ से यहाँ तक पकड़ी है ना, वो काबिले तारीफ है। और ऐसी बात नहीं है कि कंपनी अच्छी ना हो, अच्छे खासे रिजल्ट भी पेश करे कंपनी ने, तभी यहाँ पर देखिए डिवाइड होता हुआ। और बोनस शेयर आ गए हैं नहीं आए मुझे नहीं पता, अगर आ गए हैं आपके में तो गुड, और नहीं आए तो 15 से 20 डेज़ के अंदर अंदर इनका जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर यहाँ पर आ जाते हैं, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये स्टॉक और करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू यहाँ पर 2 में चेंज हो चुकी है, ओके, आपके पास एक शेयर होगा तो 5 शेयर मिल चुके हैं। बाकी अगर बात करें रिजल्ट की, तो यहाँ पर 12 मई को मतलब परसों के दिन, ओके, डे आफ्टर टुमारो अगर बात करें, यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर ये मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनली व्यू है, कि ये शेयर आपको 700 रुपीज़ तक या 600 से 700 रुपीज़ तक इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो अभी एग्रेसिवली बाइंग मत करिए, एक बार रिजल्ट देख लीजिए, उसके अलावा दूसरी और भी पैरामीटर देख लीजिए, ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी स्टॉक चल रहा है, उसके बाद ही कोई इन्वेस्ट करने की सोचिए। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है कौन से स्टॉक पे, वैभव ग्लोबल के। सेम मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा एल्काइल एमाइंस केमिकल्स की। देखिए इसकी ये भी स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पज ऑफ स्प्लिट। तो अगर बात करें 12 मतलब 12th of May को, इसके मतलब 11 को यहाँ पर एक्स डेट है, ओके। और आपने आज की डेट में अगर ये शेयर खरीद लिया होगा तो आपको यहाँ पर ये फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, आपको स्प्लिट का फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। बट इस चीज़ को लेके कभी भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता। बट अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से आप यहाँ पर इसमें इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इसके रिज़ल्ट की बात करें तो शायद 27th of May को यहाँ पर इनके रिज़ल्ट आने वाले हैं Q4 के। तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है, सेम मैं इसी चीज़ के लिए कहूँगा कि ये जैसे स्प्लिट होगा एक दिन तो भागता हुआ नजर आएगा, बट अगले दिन से ये गिरता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि केमिकल्स के जितने भी स्टॉक थे अच्छे खासे भाग लिए थे, उसके बाद गिरते हुए नजर आए, तो ये स्टॉक अभी तक गिरा नहीं है, तो अब दोबारा गिरता हुआ नजर आएगा। और आपको जब स्प्लिट होने के बाद अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन मिल सकता है, तब एट द टाइम आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। और रिजल्ट को देख लीजिए तो एक बार आपको और आइडिया आ जाएगा। बाकी चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स इसने भी दिए, और किस तरीके से ये 1200 रुपये का शेयर 8000 में तब्दील होता हुआ नजर आया है वो भी आप देख सकते हैं भी एक साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर ये न्यूज़ थी, बाकी आपको बता दिया आज की डेट में खरीदा होगा उसे स्प्लिट का फायदा होगा, बट ऐसा कुछ फायदा उन्हें होने नहीं वाला। बात करें एक और न्यूज़, तो आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, आपको पता ही रेलवे का एक स्टॉक है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न नज़र आता है। मतलब अगर बात करें यहाँ पर स्प्लिट ऑलरेडी हो चुका है, ओके, इस वजह से आपको शेयर यहाँ पर 93 का मिल रहा है। अगर यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर देखिए कंपनी 2020 में पहले स्प्लिट कर चुकी है, ओके, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये में, मतलब 1:5 का यहाँ पर एक बार बोनस दे चुकी है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दोबारा यहाँ पर कंपनी दोबारा बोनस देने वाली है, और इसका यहाँ पर अगर हम बात करें डेट की तो 21st आई थिंक, हाँ यहाँ पर आप देख लीजिए, ओके, इसकी रिकॉर्ड डेट है 21 मई। और आपको ये शेयर कब खरीदना होगा तो बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए ये 21 मई है। अगर आप 19 या उससे पहले यहाँ पर ये शेयर खरीदते हैं तभी आपको इसका फ़ायदा होता हुआ बोनस का फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, जो कि बोनस इनका क्या है, 1:1 का इनका बोनस कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया। बाकी कंपनी डिविडेंड भी देती हुई नज़र आती है, और देख लीजिए 2-2 बार इंटरिम डिविडेंड, फिर डिविडेंड कंपनी, मतलब डिविडेंड वगैरह सब चीज़ देती हुई नज़र आती है। अच्छी कंपनी यहाँ पर नज़र आती है, फंडामेंटली साउंड कंपनी नज़र आती है। और इरकॉन इंटरनेशनल अच्छा खासा ये रेलवे से रिलेटेड स्टॉक भी है। और अगर आप मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उससे पहले खरीदते हैं तो स्प्लिट के टाइम तक ये शेयर आपको स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आप खेल सकते हैं, तो आपको 10-15% के रिटर्न मिल जाएंगे, जो मुझे लगता है एक जो इसका ऑल टाइम हाई था, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 114 रुपये, 108 रुपये तक गया था ये, शायद यहाँ पर देख लीजिए 108 रुपये तक गया था, तो 108 रुपये तक ये शेयर दोबारा जाता हुआ दिख सकता है, उससे ज़्यादा भी। तो अगर बात करें तो लगभग 10-20% तक के बीच के रिटर्न आपको विद इन 10-15 डेज में आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बट लॉन्ग टर्म के लिए मत रुकना, क्योंकि उसके बाद करेक्ट होता हुआ भी शेयर नजर आएगा लाइक अदर शेयर्स, जैसे कि अभी अगर बात करें यहाँ पर वेब ग्लोबल भी भागता हुआ नजर आया, फिर अब यहाँ करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सेम अगर बात करें आरटी ड्रग्स में 7th और इसी महीने की 7th तारीख तक ये बाईबैक का सारा प्रोसीजर हो चुका है, जिसके बाईबैक के शेयर जाने थे वो जा चुके हैं, पैसे आने होंगे वो भी शायद आ जाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ आरती ड्रग्स के साथ भी अभी तक ये चल नहीं रहा था, फार्मा की अच्छी खासी रैली हुई वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, बट एक बार इनका बाईबैक हो गया है तो उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 2-3 दिन के अंदर अंदर 15% के मल्टीबैगर रिटर्न्स भी ये देख चुका है 3 दिन के अंदर अंदर, और यहाँ पर 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर। और बात करें तो आज की डेट में ही 5% भागता हुआ नजर आया है। यहाँ पर अगर हम दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए बाईबैक होता हुआ ये नज़र आया था ये शेयर, बाईबैक 30th of March, उससे पहले यहाँ पर बोनस भी कंपनी ने दिया था सितंबर में बोनस, फिर इसके बाद बाईबैक, तो कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर बात करूँ SIS लिमिटेड से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जैसे आरती इंडस्ट्री कुछ टाइम तक नहीं भागा था और एक साथ भाग गया था, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे खासे लेवल पर 350 पे मिल रहा था, तब मैंने वीडियो बनाया था कि इसे ले लीजिए, काफ़ी अच्छे RSI पे और काफ़ी बेहतरीन कंपनी नज़र आती है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर खास रिटर्न आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट स्टिल अगर बात करूँ ये कंपनी ऑलरेडी पहले भी बाईबैक से रिलेटेड यहाँ पर देखिए स्प्लिट कंपनी कर चुकी है। अगर यहाँ पर देखें 2020 में यहाँ पर भी स्प्लिट हुआ है, और यहाँ पर बाईबैक कंपनी दोबारा देने जा रही है। तो ऐसी कंपनी जो आपको बाईबैक स्प्लिट कंपनी देती जा रही है, बाकी उनका प्राइस सेम ही उस पर पड़ा हुआ है, ओके, रिटर्न्स भी अच्छे खासे देती है, अच्छे खासे इनके रिजल्ट भी पेश करे हैं यहाँ पर देखिए,
रिजल्ट इस बार भी अच्छे खासे इनके आते हुए नज़र आए थे, मैंने आपको पेश भी करे थे। तो आप ऐसी कंपनी, और कंसिस्टेंसी भी है इनके प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए। बाकी यहाँ पर भी अगर बात करते हैं, एक महीने के अंदर अंदर 10-20% के रिटर्न्स मुझे लगता है इस शेयर एक महीने के अंदर अंदर 450 रुपये तक मिलता हुआ नज़र आएगा। अगले महीने 7th of next month यहाँ पर बाईबैक से रिलेटेड सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा, और वही 10th तक ये शेयर फिर द्वारा आपको शूट करता हुआ नज़र आएगा और उस टाइम भागता हुआ नज़र आएगा। तो अभी इसे में बाई करेंगे तो आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। बाकी कोई भी बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा और अपनी खुद की स्टडी कर लीजिएगा। मेरी स्टडी थी, मेरे को जितने एक्सपीरियंस मैंने अभी तक लिया है बाईबैक बोनस से रिलेटेड, वो मैं आपको एक इकट्ठा निचोड़ होता है वो बताता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो SIS में आपको क्या करना है, खरीदारी कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, बट आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर। बाकी आरती डेक्स तो अभी भागता हुआ नजर आएगा, मुझे लगता है कि 1000 रुपये तक इसका बाईबैक था, 1000 से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा ये शेयर। आरकॉन में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, थोड़े अगर बात करें 1918 तक ये शेयर जब तक बोनस नहीं देता तब तक भागता हुआ नजर आ सकता है। एल्काइल एमाइंस ये मुझे गिरता हुआ शेयर नज़र आ रहा है, जब एक बार इसके वो आ जाएंगे और इसका रिजल्ट के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। बाकी वेब ग्लोबल ये भी मुझे 700 रुपये तक का लेवल दिख रहा है इसमें। बाकी अगर बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ की, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ 1900 से 2000 रुपीज़ तक ये शेयर आपको 18th या उसके आसपास जाता हुआ दिखेगा। वो बोनस, एक वो बोनस मिल जाएगा तो और शायद भागता हुआ दिखाई दे, एक बार डेट वगैरह सब चीज़ पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें 1 से 1.5-2 महीने के अंदर अंदर आपको ये शेयर और भी ज़्यादा भागता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, ये कॉर्पोरेट एक्शन है इन कंपनीज़ में होने वाले हैं, कुछ में हो चुके हैं, तो उसके बाद का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता दिया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।